बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 साल की उम्र में निधन हो गया। वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे और उनकी हालत काफी गंभीर थी। आपको बता दें कि इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें क्लोनॉन इन्फेक्शन हुआ, जहां डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इरफान के निधन की खबर दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मेरा प्यारा दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़ते ही गए। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे। बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेताओं में शामिल इरफान खान के यूं अचानक चले जाने से उनके फैंस और बॉलीवुड सेलेब सदमे में हैं। दो साल पहले मार्च 2018 में इरफान को न्यूरो एंड्रोकाइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला। विदेश में इस बीमारी का इलाज कराकर इरफान खान ठीक हो गए थे। भारत लौटने के बाद इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम में काम भी किया। किसे पता था कि मूवी इरफान खान की जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित होगी। अभिनेता इरफान खान के निधन पर सीएम गहलोत ने ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि दी और अपना शोक व्यक्त किया। सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि इरफान खान के निधन के बारे में जानकर दुख और सदमा लगा है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। ईश्वर इरफान खान की आत्मा को शांति प्रदान करे। अभिनेता इरफान खान का आज इंतकाल हो गया। जिंदगी से जो उनकी जंग जारी थी, उसको हार गए हैं अभिनेता इरफान खान। और बेहद दुखद ये खबर सिने प्रेमियों के लिए और साहित्य प्रेमियों के लिए आज बनकर आई। इरफान खान के निधन पर अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया है और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि ट्वीट के माध्यम से सुपुर्द की है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए वरिष्ठ संवाददाता राखी जैन एवन टीवी से मेरे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। राखी जी, आज का दिन एक बेहद दुखद खबर के साथ में आया। अभिनेता इरफान खान अपनी जिंदगी के साथ में जो जंग जारी थी, उसको हार गए। ये बहुत दुख की घड़ी है। इरफान खान जयपुर के लाडले थे, यही उनका जन्म हुआ और देश ही नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने अपने अभिनय से अपनी बहुत ही एक अमिट छाप छोड़ी। इस समय पूरा बॉलीवुड कहें या जितना भी अभिनय जगत है, वो बहुत उदास है, शोक में है कि इतनी जल्दी एक इतना उम्दा कलाकार हमसे बिछड़ गया। खास बात है कि वो जयपुर से थे, गुलाबी नगरे से थे, तो जो हमारी यादें उनके साथ हैं वो बहुत अमिट हैं। यहीं उन्होंने थिएटर की शुरुआत की थी, तो जितना थिएटर से जुड़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, उन सब की भी आंखें इस समय नम है कि हमारे बीच से एक इतना उम्दा इंसान और उम्दा अभिनेता हमसे बिछड़ गया। मैं आपको बता दूं कि इरफान खान का जो घर है वो जयपुर में के पुराने अपने वॉल सिटी जो कहलाती है चार दीवारी, वहीं पर उनका घर है। उनके दो भाई हैं जो यहीं रहते हैं, एक बहन है उनकी, और हाल ही दो तीन दिन पहले उनकी वालिदा, उनकी माता जी का भी निधन 3 दिन पहले ही यहाँ पर हुआ था अभी जी। और उनको जो एक्टिंग का शौक बचपन से ही था और जयपुर के रविंद्र मंच से ही उनका जो ये शौक है वो परवान चढ़ा था। राखी जी, उनके बारे में कहा जाता है कि धरातल से अपने अभिनय करियर की उन्होंने शुरुआत की और हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई। पूरा साहित्य जगत और सिने प्रेमी इस वक्त शोक की लहर में है। बिल्कुल जयती, मैं यही आपको बता रही हूँ कि वो एक उम्दा कलाकार के साथ साथ एक सहज इंसान भी थे। जो उनकी अदाकारी है उसमें कोई बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं दिखता था। वो लगता था हर कैरेक्टर के अंदर, उसके अंदर वो एंटर हो जाते थे, घुस जाते थे, और उसी तरीके से उनकी जो आवाज है, उनकी आंखें हैं, वो बोलने लगती थी। हर किरदार उनके अंदर समा जाता था। इसीलिए शायद चाहे वो किसी भी वो आर्ट फिल्मों की बात कर लें, चाहे बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्मों की बात कर लें, हर जगह उन्होंने अपनी एक जगह बनाई थी। इसीलिए शायद चाहे वो पूरा अभिनय जगत है बॉलीवुड का या थिएटर का, सब इस समय बहुत गमजदा है और बहुत परेशान है कि इतनी जल्दी वो हमसे बिछुड़ गए। उन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत जो शुरुआती तौर पे है जयपुर के रविंद्र मंच से ही की थी जी, है ना। उसके बाद वो यहाँ से दिल्ली गए, वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ जो ड्रामा है वहां से उन्होंने अभिनय के गुण सीखे थे जी।
राखी जी, उनके निधन के साथ में ही यहाँ पर सोशल मीडिया पर यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की झड़ी से कुछ लग गई है। इसी बीच उनके काफी ज्यादा जो एक्टिंग के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स थे उनको भी लोग सोशल मीडिया पे लगातार यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। उनकी जो पिछली फिल्म थी और लास्ट फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम, उसके एक प्रमोशनल एक्टिविटी का यहाँ पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चाहता तो मैं था कि इस प्रोजेक्ट को जितना प्यार से हमने बनाया है उतना ही प्रेम से इसको मैं प्रमोशन भी करूँ, लेकिन मेरे शरीर के भीतर अभी कुछ अनवांटेड मेहमान ऐसे बैठे हैं जो मुझे इस चीज के अलाव नहीं कर रहे। तो उस वीडियो को देखकर लोगों की आंखें बार बार यहाँ पर भरा रही है। राखी जी, जयती, बिल्कुल सही बात है। इस समय जो सोशल मीडिया है उस पर श्रद्धांजलि का, जिसे कहते हैं, सैलाब सा उमड़ आया है। हर कोई अपने तरीके से अपने प्यारे कलाकार को बहुत अच्छे मन से, बड़े अच्छे शब्दों से श्रद्धांजलि दे रहा है। कुछ लोगों की उनके साथ फोटोज हैं, वो फोटोज उनको उसके साथ अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो। व्हाट्सएप पे जो डीपी है वो इस समय 80-90% इरफान खान की ही डीपी इस समय लगी हुई है। तो लोग अपने तरीके से, जिस तरीके से श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं इरफान खान के लिए व्यक्त कर रहे हैं, अपना प्यार किस तरह उनके लिए दिखा सकते हैं वो दिखा रहे हैं उसके लिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अभिनय के साथ साथ जयपुर में वो खास तौर पे आते थे पतंगबाजी के लिए, क्योंकि वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे फिल्मों के लिए, अभिनय करने के लिए, लेकिन जयपुर से उनका नाता टूटा नहीं था। वो बीच बीच में यहाँ आते रहते थे और पतंगबाजी का उन्हें बेहद शौक था। अभी हाल ही में जब वो बीमारी से पहले भी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने अपने पतंगबाजी में हाथ आजमाए थे, और जितने लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनसे वो सहज ही मिलते थे। आप जो ये बात कह रही हैं कि लोग इतना परेशान है, सोशल मीडिया पे सैलाब है, वो इसीलिए है क्योंकि वो सहज इंसान थे। उन्होंने बहुत ऊंचाइयां हासिल कर ली थी, उसके बावजूद वो पुराने लोगों से उसी तरह जुड़े हुए थे क्योंकि वो सहज इंसान थे। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया राखी जी। वरिष्ठ संवाददाता राखी जैन को आप सुन रहे थे। यहाँ पर अभिनेता इरफान खान का आज इंतकाल हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही उनके माताजी का भी इंतकाल हुआ था, और इसी बीच एक और दुख की घड़ी उनके परिवार के लिए और पूरे देश के लिए यहाँ पर यकीनन कहा जा सकता है। महाभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी ट्विटर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, कहा कि काफी जल्दी ऐसे कलाकार को खोना पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है।